इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को एक नाम दे दूँगा मैं लोअर थर्ड मॉडर्न करके, और हर बार की तरह एक्सपेक्ट रेशियो 16:9, रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल, 30 FPS और ब्लैक बैकग्राउंड मैं यहाँ पे रखूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्वायर शेप इस तरह से ऐड कर लूँगा और इसको मैं मॉडिफाई कर लूँगा, इस तरह से रेक्टेंगल शेप का बना लूँगा। बेसिकली इस शेप में मुझे जो सब्सक्राइब टैक्स है उसको प्लेस करना है, और इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, और बाद में रिक्वायरमेंट होगा तो उसको आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। और इसको साइड की तरफ इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ, अच्छे से प्लेस कर लें। और अभी इस लेयर का एक मैं डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर क्रिएट करूँगा इस तरह से, और जो ये डुप्लीकेट लेयर है उसके साइज़ को मैं मॉडिफाई करूँगा, थोड़ा सा विड्थ मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर लूँगा, और जो कलर है उसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ओके, और अभी जो नीचे का रेक्टेंगल है उसको सिलेक्ट करूँगा, और उसको मुझे एनिमेट करना होगा अभी, तो पोजीशन प्रॉपर्टी में चला जाऊँगा, और सबसे पहले इसको मैं इस तरह से कम्प्लीटली रिवील कर लूँगा, अच्छी तरह से प्लेस कर लूँगा। जब भी आप इस तरह से किसी शेप को प्लेस करेंगे तो ये जो रेड लाइंस आपको दिख रहा है उसका गाइडेंस ले, ओके, ताकि आप जो शेप है उसको बिल्कुल मिडिल में प्लेस कर पाएँ। और एनिमेशन करने के लिए मैं टाइमलाइन में एक इस तरह से की फ्रेम क्रिएट करूँगा, और थोड़ा सा आगे जाके और एक की फ्रेम इस तरह से क्रिएट कर लूँगा, और अभी जो सामने वाला की फ्रेम है वहाँ पर मैं इस शेप को इस तरह से फिर राइट हैंड साइड में ड्रैग कर लूँगा, ताकि जो ब्लैक शेप मैंने बनाया था उसके अंदर ये बिल्कुल हाइड हो जाए, कुछ इस तरह से। ओके, और अभी देखिए इस तरह का एनिमेशन हो गया है, इसको मैं एजीएस कर लेता हूँ। देखिए उस इस तरह का एनिमेशन हो गया है, परफेक्ट। और अभी मैं इसका जो कलर है उसको चेंज करके व्हाइट कर दूंगा, ये देखिए। और अभी मैं यहाँ पे अपना टैक्स ऐड कर लेता हूँ, सब्सक्राइब, ओके, एंड टैक्स के प्रॉपर्टीज़ को मैं चेंज कर लूँगा। कलर मैं यहाँ पे रेड सिलेक्ट करता हूँ, और जो फॉन्ट है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है यहाँ पे, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैक्स सिलेक्ट कर लें। मैं थोड़ा सा बोल्ड टैक्स यहाँ पे पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने इस टैक्स को सिलेक्ट किया है, ओके, और साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ताकि जो वाइट सेफ है उसके अंदर अच्छी तरह से ये फिट हो जाए। वाइट जो सेफ है उसका थोड़ा सा विड्थ मैं रिड्यूस कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि टेक्स्ट के साथ बिल्कुल फिट बैठे। अभी पोजीशन प्रॉपर्टी में जाके मैं यहाँ पे एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा, और टाइमलाइन के पहले भी एक की फ्रेम क्रिएट कर लूँगा, और जो पहला की फ्रेम है उसमें मैं इस टेक्स को राइट की तरफ इस तरह से ड्रैग कर लूँगा, और अभी इस एनिमेशन को मैं इजी इज कर लूँगा इस तरह से। एक बार ट्राई करके देखते हैं, देखिए परफेक्ट हो गया है, लेकिन अभी जो मुझे ये ब्लैक सेफ है उसको ऊपर लाना होगा, तभी ये टैक्स जो होगा उस ब्लैक जो सेफ है उसके नीचे से रिवील होगा, ये देखिए परफेक्ट इस तरह का एनिमेशन हो गया है। अभी मैं इन लेयर्स को इक्वल कर लेता हूँ, देखिए थोड़ा सा ड्रैग कर लूँगा पीछे की तरफ, और इन तीनों लेयर्स को मैं एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इस तरह से सिलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर लूँगा। अभी मैं इस ग्रुप का और एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो प्लीज है उसको भी इसी तरह से एनिमेट करना है। नया लेयर को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इस तरह से, और अभी इस लेयर को मैं एनिमेट करूँगा। प्लीज़ टैग्स के लिए मुझे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से एनिमेट करना होगा, इसीलिए मैं जो ब्लैक बॉक्स है उसको दूसरी तरफ लेफ्ट की तरफ इस तरह से लेके चला जाता हूँ, ओके। और अभी जो नीचे का जो वाइट बॉक्स है उसको भी मुझे ऑपोजिट की डायरेक्शन से एनिमेट करना होगा, एंड जो सब्सक्राइब टैग्स है उसको भी मुझे चेंज करके प्लीज करना होगा, ओके। तो सबसे पहले मैं वाइट बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो ये एनिमेशन पॉइंट है उसको मैं चेंज कर लूँगा, यहाँ पर सामने वाला जो एनिमेशन पॉइंट है उसको मैं डिलीट कर दूँगा, और एक नया की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और इस तरह से बॉक्स को लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर लूँगा। और अभी जो दूसरा की फ्रेम है उसमें मुझे वाइट जो सेफ है
उसको राइट की तरफ और लाना है ताकि बिल्कुल रिवील हो जाए ये शेप। देखिए ये रेड लाइन जो है वो इंडिकेट करता है कि ये पूरी तरह से रिवील हो चुका है। अब इसको मैं एजेस कर लेता हूँ। उसी तरह से जो सब्सक्राइब टैग्स है उसको मैं मॉडिफाई करके प्लीज़ टाइप कर लूँगा यहाँ पे, और इसका कलर चेंज करके मैं वाइट कर लूँगा, और यहाँ पे जो शेप है उसका कलर मुझे रेड रखना होगा। अभी जो प्लीज़ टैग्स है उसको मुझे एनिमेट करना होगा, तो सबसे पहला जो की फ्रेम है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे एक नया की फ्रेम मैं क्रिएट करूँगा और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग कर लूँगा ताकि जो ब्लैक शेप है उसके पीछे ये हाइड हो जाए बिल्कुल, और दूसरा जो की फ्रेम है उसमें जाके मैं इसको बिल्कुल रिवील कर लूँगा इस तरह से, और अच्छी तरह से जो रेड शेप है उसके बीच में मैं प्लेस कर लूँगा, अच्छी तरह से अलाइन कर लें। ओके, ये देखिए इस तरह का एनिमेशन हो चुका है, और अभी अगर हम प्ले करके देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन हो गया है। और अभी इन दोनों लेयर को मुझे अच्छे से प्लेस करना होगा। ओके, तो इसके लिए मैं ग्रुप वन जो फर्स्ट ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में जाके इस तरह से मैं उसका पोजीशन चेंज कर लूँगा और अच्छी तरह से प्लेस कर लूँगा। फाइनल एनिमेशन का जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैं दोनों लेयर्स को सेट कर लूँगा यहाँ पे। आप इस तरह से भी आप एक लोअर थर्ड क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं उसको और एक एडिशनल यहाँ पे मूव देना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे अभी क्रिएट करूँगा। तो अभी जो सब्सक्राइब लेयर है उसको मुझे एनिमेट करना होगा, तो उसको मैं इस तरह से थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, और प्लीज़ को भी मैं इस तरह से लेफ्ट में ड्रैग कर लेता हूँ, और जो अभी जो सब्सक्राइब लेयर है वहाँ पे मैं पोजीशन प्रॉपर्टी में जाके की फ्रेम क्रिएट करूँगा, और थोड़ी सी आगे जाके और एक की फ्रेम में क्रिएट करूँगा, और जो पहला की फ्रेम है उसमें मैं सब्सक्राइब लेयर को इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग कर लूँगा, और इस एनिमेशन को मैं इजी ईज कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन हो चुका है, और अभी सब्सक्राइब लेयर का जो की फ्रेम है उसका रेफरेंस लेके मैं जो प्लीज लेयर है वहाँ पे भी दो की फ्रेम क्रिएट कर लूँगा। ये देखिए बेसिकली यहाँ पे सेम पॉइंट पे हमें की फ्रेम क्रिएट करना है, अदरवाइज दोनों जो एनिमेशन होगा वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैं जो प्लीज लेयर है उसको भी ऊपर की तरफ फर्स्ट की फ्रेम में ऊपर की तरफ ड्रैग कर लूँगा, और उसके बाद मैं इसको इजी ईज कर लूँगा इस तरह से। और अभी देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन हो चुका है, और अभी हमें लास्ट की फ्रेम यहाँ पे ऐड करना होगा जहाँ पे ये दोनों बिल्कुल बीच में अलाइन हो, और पोजीशन प्रॉपर्टी में जाके मैं यहाँ पे की फ्रेम क्रिएट कर लूँगा सब्सक्राइब लेयर के लिए, और उसको बीच की तरफ ड्रैग कर लूँगा और बिल्कुल सेंटर में इस तरह से प्लेस कर लूँगा, और इस एनिमेशन को मैं इजी ईज कर लेता हूँ। फिर मैं सब्सक्राइब लेयर का की फ्रेम का रेफरेंस लेके प्लीज लेयर में भी जाके पोजीशन प्रॉपर्टी का एक की फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और प्लीज को भी मैं बिल्कुल सेंटर की तरफ इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ, और इसको भी मैं इजी ईज कर लूँगा। देखिए परफेक्ट, लगभग हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है, एक बार प्ले करके देखते हैं। ये देखिए परफेक्ट। ओके, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि एनिमेशन ख़त्म होने के बाद थोड़ा देर ये सामने रहे। ये देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन हो चुका है। ओके, जब आप वीडियो में इस एनिमेशन को यूज़ करोगे तो आप उसमें दो ऐसा एनिमेशन ऐड करें, और उसके बाद आप एक में रिवर्स इफेक्ट यूज़ करें ताकि आपको एग्जिट का जो एनिमेशन होगा वो साथ ही में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस में ये इफेक्ट ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको एग्जिट एनिमेशन ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एनिमेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Bye-bye.